कनेडा विच मध्यकाली चोणां दे ऐलान संबंधी लंबे समय तो क्यासारियां लाईयां जा रही ने कि सूत्रों अनुसार इस संबंधी ऐलान एतवार हो सकता है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एतवार को गवर्नर जनरल को मिलेंगे, जिस मगरों चोणां संबंधी ऐलान होने की संभावना प्रगटाई जा रही है। सियासी माहिरां दा मनना है कि यह मीटिंग मध्यकाली चोणां दे ऐलान संबंधी की जा रही है ते गवर्नर जनरल पार्लीमेंट भंग करके मध्यकाली चोणां दा ऐलान कर सकते हैं। संभव है कि चोण प्रक्रिया लई घट्टो घट निर्धारित 36 दिनों का समा दे के 20 सितंबर को चोणों का ऐलान किया जाए। बेशक सरकार हाले इस बारे चुप है, पर सीबीसी राइटर ते होर वड्डियां खबर एजेंसियां ने खास स्रोतियां दे हवाले नाल लिखा है कि एतवार को चोण अमल का ऐलान हो जाएगा। विरोधी पार्टियां मध्यकाली चोणों को देश लई मंदभागा दस रही ने। अक्तूबर 2019 विच हुई चोणों विच लिबरल पार्टी 14 सीटां की घाट कारण बहुमत साबित करन तो रह गई सी। वड्डी पार्टी होण कारण बिना गठबंधन ये पार्टी जस्टिन ट्रूडो की अगवाई हेठ सरकार चला रही है, पर कई वित्तीय बिल पास कराने लई उसनू सहयोग लई विरोधियों वल झाकना पिया। कोरोना काल विच सरकार नू वड्डे फैसले लैण लई भी औखियाई आई है। जस्टिन ट्रूडो समझते हैं कि कोरोना काल दौरान देशवासियों नू दित्तियां गईयां सहूलतां कारण उन्हां दी पार्टी वड्डे फर्क नाल जित सकती है। इस कारण उन्हां वल्लों कई महीनों तो मध्यकाली चोणां दे संकेत दित्ते जा रहे हैं। उधर विरोधी पार्टियां वालों मध्यकाली चोणों को खुदगर्जी करार दिता जा रहा है। एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने कहा है कि कोरोना अजे भी असरदार है ते इस खात्मे तक चोणों बारे सोचना गलत होगा। टॉरी आगू एवरिन ओटूल ने कहा है कि चोणों के ख्याल की थान सरकार को कोरोना की चौथी लहर नाल निजिठण वल ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ट्रूडो देशवासियों की थान हमेशा अपने बारे सोच के अगे तुरता है, पर देश की मुख्य सेहत अफसर डॉक्टर थैरिस टैम ने कहा है कि देशवासियों का वड्डा पद्धर से टीकाकरण होने कारण वो चोणों के दुरप्रभाव तो मुक्त रहेंगे।